हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईक्यू प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग, कल ही एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के द्वारा ऑडिटर वाला, तो उसी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जीके से क्वेश्चन और आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि आने वाला हमारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें ये क्वेश्चन देखना चाहिए क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये भी एग्ज़ाम लिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों कि किस पैटर्न पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे कि हमें एक आइडिया लग सके कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उस पे कौन से बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया था? तो दोस्तों, वो थे अलमसूदी। अलमसूदी ने इसका वर्णन किया था दोस्तों, ना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहा जाता था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की शुरुआत करी थी दोस्तों? तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं विजिबल है अच्छा से तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप देख सुन लेना अच्छे से। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ पूरब का सिराज कहा जाता था? तो दोस्तों, ये किस नगर को कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर। जौनपुर को कहा जाता था दोस्तों, पूरब का सिराज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नायक नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने जंजीर आदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी दोस्तों? तो वो थे आपके जहांगीर, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है का नारा इनमें से किसने दिया था? तो दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में, तो दोस्तों वो थे मुनरो, लॉर्ड मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो एक्चुअली, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो दोस्तों, यहाँ पे नांतवी, फिर गंगोही, ये जुड़े थे, फिर आपका उल हसन जुड़े थे, हुसैन अली जो थे ये नहीं जुड़े थे दोस्तों, है ना, अल्ताफ हुसैन अली इसे नहीं जुड़े थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्राह्मण समाज ने नहीं की थी? तो दोस्तों, किसकी निंदा नहीं करी थी यहाँ पे? अतरावाद, जातिवाद, बहुविवाह, ये तीनों की निंदा इन्होंने करी थी, लेकिन पर्दा प्रथा जो था इसकी निंदा इन्होंने नहीं करी थी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ई बी है, इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं इजीली कि बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के भी रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? तो इसमें आपके महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, राजेंद्र प्रसाद थे, गौरीशंकर मिश्रा इससे संबंधित नहीं थे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण, तो किनको फांसी दी गई थी दोस्तों? आपको पता ही है, वो थे राजबिहारी बोस, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, है ना। देख लीजिए, यहाँ पे बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो एकदम देखते हुए चलना अच्छे से दोस्तों। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी? तो किसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी दोस्तों? तो थे उदयन इसके संस्थापक थे दोस्तों, है ना। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था दोस्तों? तो वो उस समय थे घनानंद, है ना, और इन्हीं को पराजय करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे दोस्तों, है ना।
चलिए चाणक्य की सहायता से, क्योंकि इन्होंने उसको अपमानित किया था भरी सभा में। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन बहिया मनेरी जुड़े थे दोस्तों? तो वो थे फिरदौसी से जुड़े थे दोस्तों। चलिए, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व करा था दोस्तों? तो दरभंगा राज क्षेत्र में विद्यानंद स्वामी विद्यानंद ने आंदोलन करा था। लेकिन अगर पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं दोस्तों। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो वो मुंगेर था दोस्तों। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था, कार्यानंद शर्मा जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ये आपका भाब्रू शिलालेख में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो होते भाग्य भट्ट, वाग्य भट्ट, है ना? राइट आंसर ऑप्शन बी। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है दोस्तों? तो उस समय आपके समुद्रगुप्त थे दोस्तों, है ना, इन्हीं को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस दो शहरों को जोड़ता है दोस्तों? तो ये आपका काबुल और पेशावर को जोड़ता है दोस्तों, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, काबुल और पेशावर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे वायनाड केरल में है दोस्तों, दंडकार कारिया जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, जबकि ये यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है दोस्तों। देखिए दंडकारण्य के इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है दोस्तों। जब राम जी वनवास गए थे तो उस समय इन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे भी बिताया था दोस्तों, इसी वन में बिताया था ना, दंडकारण्य वन में, और इसका नाम भी पड़ा कुछ इसी रीजन से, इसके बहुत सारे हिस्ट्री रही है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये लेह और मनाली को जोड़ता है दोस्तों, है ना, जो अटल टनल है दोस्तों वो लेह और मनाली को जोड़ता है, और ये आपका पीरपांजल में पड़ता है दोस्तों, है ना, पीरपांजल रेंज में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है दोस्तों? सह्याद्री विशाखापट्टनम वाली है दोस्तों, है ना, परियोजना है। चलिए, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते किस समुद्री किनारे पर गिरा था दोस्तों? ये सौराष्ट्र में गिरा था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे देख रहे होंगे आप कौन सा सही नहीं है। देखिए, सुर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश में, थोल गुजरात में, अष्टमुंडी जो है केरल में है, जबकि लोनार जो है दोस्तों ये राजस्थान में नहीं है, याद रखिएगा, है ना, लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में पड़ता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटा जो क्षेत्र है, मतलब एरिया लेंथ जो है, वो तापी नदी का है दोस्तों। तापी नदी का सबसे छोटा लेंथ है जिसका 724 किलोमीटर पड़ता है लगभग, है ना, और कावेरी नदी का 805 पड़ता है दोस्तों, और इसका आपका 858 पड़ता है दोस्तों, 858 महानदी का पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबी नदी महानदी हो जाएगी, है ना, फिर कावेरी, फिर ब्राह्मणी हो जाएगी 799, है ना, फिर उसके बाद 724 तापी नदी आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे छोटी इसका तापी नदी होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य गंगा की द्रोणी प्रदेश के भाग है दोस्तों? तो टोटल 5 है, जो कि सबसे पहले पड़ता है आपका उत्तराखंड, जहाँ से वो आती है, इन करती है भारत में, उत्तराखंड, फिर आपका यूपी पड़ता है, उत्तराखंड के बाद यूपी पड़ता है, फिर यूपी के बाद आपका बिहार पड़ता है, फिर बिहार से आपका झारखंड पड़ता है,
फिर झारखंड से आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है दोस्तों, है ना। तो टोटल 5 हो जाते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम लोग थोड़ा करंट अफेयर्स वाले सेशन को देख लेते हैं। चलिए, इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 130 CA के क्वेश्चन है, जिसमें बिहार के CA बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। सबसे अधिक बिहार से रिलेटेड ही CA पूछे गए हैं इसको में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो BPSC का 67वां एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों, नाटो का मुख्यालय जैसा कि आपको पता है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये रुचिरा कम्बोज को नियुक्त किया गया, परमानेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता है दोस्तों। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो दोस्तों, इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो इस वजह से मैं इसका राइट आंसर अभी नहीं बताऊंगा। चलिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था दोस्तों। तो ये कब जारी हुआ था? तो ये आपका हुआ था जारी 17 मार्च 2022 को दोस्तों, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है आपका कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबरधन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये इंदौर में किया गया। जैसा कि आपको पता है, इंदौर क्लीन सिटी है दोस्तों, यहाँ पे रीयूज होता है बहुत सारे वेस्ट का, तो वहाँ पे गोबर का भी एक बड़ा प्लांट बैठा हुआ है, इसी वजह से वहीं पे इसकी उद्घाटन किया गया है दोस्तों, मोदी जी के द्वारा। चलिए, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला दोस्तों? ये विनय मोहन कत्रा थे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बीपी रावत जिस चांपर में यात्रा कर रहे थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये तमिलनाडु के कन्नौर जिला में हुआ था। चलिए, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कहाँ से कहाँ दोस्तों? तो अहमदाबाद, मुंबई के बीच। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया दोस्तों? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसकी उद्घाटन किया था दोस्तों। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय किस राज्य का है दोस्तों? तो ये केरला उच्च न्यायालय में ऐसा इनिशिएटिव किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा COVID-19 के अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई दोस्तों? जो कि 18 वर्ष की आयु तक मिलेगा, तो ये 1500 रुपया दिया जाएगा दोस्तों, है ना। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिहार से रिलेटेड बस आपको दिखेंगे, मैक्सिमम आपको जो CA दिखेगा बिहार से रिलेटेड ही दिखेगा, तो आप इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना, कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो सकते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये आपका जो किया गया है वो बिहार मंडप को ही सम्मानित किया गया दोस्तों। बिहार ने ही स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल बिहार ने ही जीता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के
बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 51.91% है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? प्रमोद भगत ने, तो आप पटना के किसी अगर शहर में रह रहे होंगे तो आप देखेंगे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है हर एक गोलंबर पे, तो प्रमोद भगत जी का वो पोस्टर है दोस्तों, क्योंकि बड़ा बैडमिंटन प्लेयर है दोस्तों, बैडमिंटन प्लेयर है ये। चलिए, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई दोस्तों? जल जीवन हरियाली इसकी थीम थी, है ना। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका मतलब उद्देश्य क्या था एक्चुअली में, है ना, पर्पस क्या रहा इसका? तो दोस्तों इसका जो पर्पस है ना, रेल मंत्रालय द्वारा एक्चुअली किया गया ये, तो ये बाल शक्ति योजना था एक्चुअली में, बाल शक्ति योजना, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इस वजह से इसका मैं कन्फर्म आंसर नहीं बता रहा हूँ, है ना। चलिए, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही दोस्तों? तो वो 5 टोटल थी बिहार से। चलिए देखिए, बिहार से रिलेटेड ही आपको सीए मैक्सिमम दिख रहे होंगे। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आपके आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो धीरज कुमार थे, वेस्ट चंपारण के हैं दोस्तों ये, है ना। और एक आपका सारण से भी एक लड़की है दोस्तों, उनको भी ये सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, जो कि बिहार से टोटल 2 बनते हैं। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये पटना में बनाया जा रहा है ना, बहुत अच्छा खासा बनाया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान के सबसे लंबा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शिंजो आबे थे, जो कि 16-17 में एक बार बने थे, और फिर उसके बाद 2006-07 में एक बार बने थे ये, सबसे पहले ये 2006-07 में बने थे, 6-07 में बने थे, उसके बाद 12 से लगातार अभी तक रहे थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाने के कारण दूसरे प्रधानमंत्री आए हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया दोस्तों। ये एक्चुअली भारत और अमेरिका के बीच, मतलब ये बेका जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली में मिलिट्री से रिलेटेड जो भी, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी हथियार होते हैं उनसे, उनके लिए यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मिलिट्री मतलब जो भी बंदूक वंदूक जो बड़े बड़े मतलब जो डिफेंस में यूज होने वाली चीज़ें थी, तो उसको रिलेटेड लेकर किया गया था, है ना, उसी से रिलेटेड ये एक्चुअली एग्रीमेंट हुआ था, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ही होना चाहिए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया था दोस्तों, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों, है ना, तो ये एक्चुअली में 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? तो यह डेनमार्क के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, कब हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों 27 मार्च 2022 को, 27 मार्च 2022 को हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका जर्मनी में आयोजित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए होंगे तो दोस्तों, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।